इस वीडियो में हम बात करेंगे 2007 की फिल्म ट्रिक्स के बारे में, जो कहानी है स्टेफिक नाम के एक लड़के की जो अपने माता पिता को एक करना चाहता है और इस कोशिश में वो तकदीर के साथ हेर फेर करने लगा। स्टेफिक नाम का 6 साल का लड़का अपनी 18 साल की बहन एल्का और अपनी माँ के साथ रहता है, जो किराने की दुकान संभालने का काम करती है। एक दिन कबूतरों को संभाल कर जब स्टेफिक अपनी बहन के पास गया तो रेलवे स्टेशन पर उसे एक आदमी नजर आया। वो एल्का से कहने लगा कि वो आदमी उनके पिता है, पर जब एल्का ने उस आदमी को देखा तो उसने स्टेफिक से कहा कि वो उनके पिता नहीं है। स्टेफिक के जन्म से पहले ही उसके पिता उसकी माँ को छोड़कर चले गए थे, इसलिए ना तो स्टेफिक ने कभी उन्हें देखा है और ना ही वो स्टेफिक के बारे में कुछ जानते हैं। स्टेफिक को लेकर एल्का एक नई नौकरी के जॉब इंटरव्यू के लिए दूसरे शहर गई और पूरी दोपहर स्टेफिक को उसी जगह अकेले रहना पड़ा। एल्का का बॉयफ्रेंड जर्जी उसके साथ वक्त बिताना चाहता था, पर उसे एल्का की जगह उसके छोटे भाई के साथ वक्त बिताना पड़ा। जर्जी के साथ पूरा दिन बिताने के बाद खुशी खुशी स्टेफिक घर लौट कर आया, जिसके बाद एल्का बर्तन धोने का अपना काम करने के लिए कैफे में चली गई। एक तरफ जहां वो अपने नए काम की तैयारी कर रही थी, तो वही दूसरी तरफ जर्जी एक मैकेनिक का काम करता है। स्टेफिक ने रेलवे स्टेशन पर जिस आदमी को देखा था वो उसी को अपना पिता मानने लगा। यही बात उसने जर्जी को बताई और उसे एक तस्वीर दी, जिसे देखकर वो अपने पिता को पहचान पाया है। एल्का हर रोज नए जॉब को पाने की उम्मीद में रहती है और स्टेफिक भी उसका साथ दे रहा था, पर नई नौकरी पाना उसके लिए आसान नहीं था। वो जब भी इंटरव्यू देने के लिए उस ऑफिस में जाया करती है तब बिना इंटरव्यू दिए ही उसे वापस लौटकर आना पड़ता है। एल्का की माँ दिन भर काम की वजह से दुकान में रहती थी, इसलिए एल्का अकेले स्टेफिक की देखभाल करती है। एक दिन उसने स्टेफिक के पूछने पर बताया कि उनके पिता किसी दूसरी औरत की वजह से घर छोड़कर गए और स्टेफिक ये सोचने लगा कि उन्हें अपने पिता को वापस घर ले आना चाहिए। अपनी बहन के साथ वक्त बिताने के अलावा स्टेफिक अपनी शैतानियों में लगा रहता था और हर रोज छिपकर कबूतर उड़ाने की कोशिश करता था, पर वो कभी उन्हें उड़ा नहीं पाया। वो अपने पिता से बात करना चाहता था, इसलिए एक दिन वो अकेला रेलवे स्टेशन पर गया। वो बिना कुछ कहे अपने पिता को घूरता रहा और बिना कोई बात किए घर लौट कर आ गया। एक कैफे में नौकरी करने के अलावा एल्का इटालियन भाषा सीख रही थी और जब इस बारे में स्टेफिक ने जर्जी को बताया तो अगले ही दिन वो एल्का से मिलने उसकी इटालियन क्लास में चला गया और ऐसा करने की वजह से एल्का उसके साथ वक्त बिताने के लिए मान गई। स्टेफिक भी उन दोनों के साथ जाना चाहता था पर उसे आने की इजाजत नहीं मिली, इसलिए स्टेफिक ने वियोल्का नाम की लड़की से कहा कि वो उसे बाजार तक ले जाए। एल्का और जर्जी ये बात नहीं जानते थे और जब उन्होंने स्टेफिक को बाजार से लौटते हुए देखा तो उसे वहां देखकर वो दोनों हैरान हो गए। उस दिन स्टेफिक और एल्का ने एक आदमी को देखा जिससे कोई सेब नहीं खरीद रहा था। उसकी मदद करने के लिए स्टेफिक ने उससे सेब खरीदे ताकि उसे देखकर दूसरे लोग भी उस आदमी के सेब खरीद ले। जब जर्जी ने इस बारे में पूछा तो स्टेफिक ने बताया कि वो उस आदमी की किस्मत में हेर फेर कर रहा है और जल्द ही स्टेफिक का प्लान कामयाब हुआ। उस आदमी के सारे सेब बिक गए और स्टेफिक समझ गया कि एक सिक्के की मदद से और थोड़ी सी चालाकी से वो तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। ये बात मानने के बाद उसने सिक्कों की मदद से खुद की तकदीर बदलना शुरू कर दिया। वो अब भी कबूतर नहीं उड़ा पाया पर उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। उसने रेलवे की पटरी पर सिक्के फेंक दिए जिसकी वजह से ट्रेन को रोकना पड़ गया और तब पहली बार उसके पिता ने उससे बात की। उनकी ज्यादा बात तो नहीं हो पाई पर स्टेफिक अपने प्लान में आगे बढ़ने लगा। एल्का काम करते हुए इटालियन सीख रही थी और साथ ही जर्जी के साथ वक्त भी बिताने लगी थी, पर जर्जी की पुरानी बाइक की वजह से उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ गया। उसने जर्जी को अपने परिवार के लिए एक दिन के लिए गाड़ी लाने के लिए कहा और तब जर्जी ने अपने गैराज में रखी गाड़ियां उसे दिखाई। कुछ दिनों बाद जर्जी अपने एक कस्टमर की गाड़ी लेकर एल्का के घर पहुंचा और तब उसे एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो औरत वियोल्का की माँ है जो अपनी बेटी की हरकतों से परेशान है। वियोल्का हर हफ्ते किसी अलग लड़के के साथ घूमती फिरती है और इस बार वो चाहती थी कि जर्जी उसे अपने साथ ले जाए। उस दिन स्टेफिक के परिवार के साथ वियोल्का भी उनके पिकनिक का हिस्सा बन गई और वियोल्का और जर्जी को इस तरह देखकर एल्का को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इस बीच स्टेफिक भी वियोल्का को छेड़ रहा था पर वियोल्का को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके आने से स्टेफिक को खुशी मिली और यही बात उसने वियोल्का को बताई। स्टेफिक अब भी ये सोच रहा था कि वो जादू जानता है और तकदीर को बदल सकता है और धीरे धीरे वो इस बात पर यकीन करने लगा। इसी यकीन की वजह से एक दिन वो कबूतर उड़ाने में कामयाब हुआ और बिना वक्त गवाए अपने पिता से मिलने चला गया।
स्टेशन पर पहुंचते ही उसकी अपने पिता से बात शुरू हुई। उन कबूतरों को देखकर स्टेफेक के पिता ने कहा कि वो उनके कबूतर हुआ करते थे, पर वो उन्हें अपने साथ दूसरे शहर नहीं ले जा पाए, इसलिए अब वो कबूतर कोई और संभालता है। स्टेफेक किसी भी तरह अपने माता पिता को फिर से मिलाना चाहता था, इसलिए वो हर रोज रेलवे स्टेशन पर अपने पिता का इंतजार करने लगा। एक दिन एक अनजान आदमी स्टेफेक के फेंके सिक्के उठाने पटरी पर उतरा और उसे ट्रेन से बचाने की कोशिश में स्टेफेक के पिता की ट्रेन छूट गई और ट्रेन में उनका बैग भी छूट गया। स्टेफेक अपने पिता पर नजर रखता रहा, जो वक्त काटने के लिए पास के कैफे में चले गए। वो कैफे की मालकिन से बातें करने लगे और ये देखकर स्टेफेक अपने जादू का इस्तेमाल करने लगा। उसने उन पर नजर रखने के लिए जर्सी और अपने सिपाही वहां छोड़े और एल्का को ये बताने चला गया कि उनके पिता उन्हीं के शहर में रुके हुए हैं। पर जब ये बात उसने एल्का को बताई तो एल्का ने उससे कह दिया कि वो उनके पिता के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। एक तरफ स्टेफेक कबूतर उड़ाकर स्टेशन की ओर भाग रहा था तो दूसरी तरफ स्टेफेक के कहने पर जर्सी ने उसके पिता को कैफे में ही बंद कर दिया और ऐसा होने की वजह से उनकी अगली ट्रेन भी छूट गई। अब उन्हें शाम तक अगली ट्रेन का इंतजार करना पड़ रहा था, इसलिए वो शहर में टहलने निकल पड़े। स्टेफेक चाहता था कि उसके पिता उस रास्ते जाए जिस रास्ते से वो उसकी माँ की दुकान तक पहुँच सकते हैं। जर्सी के साथ वो उनका पीछा करने लगा और दूसरी ओर अपना काम पूरा होते ही एल्का अपनी माँ से मिलने चली गई। स्टेफेक अपने पिता को किसी अनजान आदमी से बातें करते देखा और उसे पता चला कि वो कुछ लड़कियों के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। वो उनके करीब जाना चाहता था, पर तभी वहाँ एल्का आ पहुँची और उसे वहाँ से दूर ले जाने लगी। एल्का ने उसे समझाया कि अगर वो आदमी उनके पिता है भी तो वो उनसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए उसे उनसे दूर रहना होगा। स्टेफेक अपने पिता को अपनी माँ के पास भेजना चाहता था, पर उसे ना चाहते हुए भी अपनी बहन के साथ रहना पड़ा और स्टेफेक की गैर मौजूदगी में उसका काम जर्सी कर रहा था और स्टेफेक के पिता पर नजर रख रहा था। स्टेफेक फिर से अपनी बहन के साथ इंटरव्यू के लिए गया और कुछ देर बाद उसने एक गाड़ी पर पेशाब कर दी, जिसके बाद वहाँ का चेयरमैन उसके बारे में पूछने लगा, पर एल्का ये नहीं बता पाई कि वो उसी का भाई है। एल्का घंटों तक अपने इंटरव्यू का इंतजार करती रही और स्टेफेक अपने पिता के पास पहुँचने की कोशिश करता रहा, पर बीच रास्ते उसे एक दुकान का सामान गिराने की वजह से रोक दिया गया। उसे सामान उठाने का काम करना पड़ रहा था, पर फिर जर्सी ने उसे देख लिया और मौका मिलते ही उसे अपने साथ ले गया। रास्ते में उन्होंने स्टेफेक के पिता को देख लिया और स्टेफेक ये सोचकर खुश हुआ कि अब उसके पिता को उसकी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। पर फिर वियोल का एक रुकावट बनकर स्टेफेक के सामने आ गई और स्टेफेक के पिता का ध्यान अब वियोल का पर चला गया, जिसके बाद उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। वो जंगल की ओर एक नदी के पास जाने लगे और स्टेफेक भी उनका पीछा करने लगा। जंगल में जाते ही उसने नदी किनारे अपने पिता को आराम करते देखा और फिर वो तैरते हुए वहां मौजूद लड़कियों के पास गए, पर फिर स्टेफेक को लगने लगा कि वो डूब गए हैं। अपने पिता की मौत के बारे में बताने वो एल्का के पास गया और तब सबको पता चल गया कि चेयरमैन की गाड़ी पर पेशाब करने वाला लड़का एल्का का भाई है। एल्का को लेकर स्टेफेक अपने पिता को ढूंढने गया, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिले। एल्का वियोल्का को लेकर जर्सी से नाराज थी, पर जिस वक्त स्टेफेक अपने पिता को ढूंढ रहा था उस वक्त जर्सी एल्का को मनाने में कामयाब हुआ। कुछ देर बाद स्टेफेक ये सोचकर निराश हो गया कि वो अपनी तकदीर बदल नहीं पाया, पर वो ये नहीं जानता था कि उसके पिता उस वक्त बाहर ही मौजूद है और वो सिर्फ मछलियाँ पकड़ने गए थे। मछलियाँ लेकर जब वो स्टेशन की ओर बढ़े तो एक फोटो स्टूडियो में उन्होंने अपने परिवार की तस्वीर देखी और तब उन्हें पता चला कि स्टेफेक उन्हीं का बेटा है। ये जानकर वो उनकी दुकान के पास गए, पर अपनी पत्नी से बात नहीं कर पाए। एल्का और स्टेफेक ने उन्हें अपनी दुकान के पास देख लिया। स्टेफेक अब भी तकदीर में हेर फेर करके अपने पिता को अपनी माँ से मिलाना चाहता था, पर एल्का ने उसे रोक दिया। वो दोनों तकदीर को अपना काम करते देखना चाहते थे और कुछ देर बाद तकदीर का खेल शुरू हुआ। एक भिखारी की गाड़ी की वजह से स्टेफेक के पिता का मन बदलने लगा और वो उसकी माँ से मिलने उनकी दुकान में चले गए, मगर वो अंदर जाते ही बाहर आ गए। और जब इसका कारण जानने के लिए स्टेफेक अपनी दुकान में गया तो उसे पता चला कि उसकी माँ वहाँ मौजूद नहीं है। इस सब में वक्त गंवाने की वजह से एल्का को इंटरव्यू के लिए देर हो गई और नौकरी पाने का आखिरी मौका भी उसने खो दिया। निराश होकर वो घर लौट आई, पर वो ये नहीं जानती थी कि उस ऑफिस का चेयरमैन अब भी उसका इंतजार वही कर रहा है। वो चेयरमैन सिर्फ इटालियन भाषा जानता था, इसलिए जर्सी से एल्का के बारे में पूछने के बावजूद उसे कुछ पता नहीं चला। अंत में स्टेफेक बिना किसी को बताए स्टेशन की ओर दौड़ा और एल्का अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगी। स्टेफेक के पिता इस बार ट्रेन में बैठ गए और उनसे मिलने की कोशिश में स्टेफेक भी ट्रेन के सामने आ गया और उसकी वजह से ट्रेन को रोक दिया गया। वो चोरी छिपे उसी ट्रेन में बैठ गया और पूरी रात उस ट्रेन में रहने के बाद अगली सुबह वो वापस अपने शहर आ गया।
अपने शहर के स्टेशन पर उसे उसके पिता सोते हुए नजर आए और नींद से जागकर उन्होंने उसे बताया कि अब वो किसी ट्रेन का इंतजार नहीं कर रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और इसीलिए वो उस स्टेशन पर सिर्फ स्टेफिक के आने का इंतजार कर रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।